गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने उत्तर व्यवहारवाद के विषय में पढ़ा कि उत्तर व्यवहारवाद क्या है और किस प्रकार उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया या ज़्यादा बेहतर शब्दों में कहें तो एक सुधार आंदोलन था। आज हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम देखेंगे कि आखिरकार व्यवहारवादी जो आंदोलन था उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप किस प्रकार उत्तर व्यवहारवादी आंदोलन अस्तित्व में आता है, उसके पीछे कौन कौन से कारण निहित थे और साथ ही आज के इस लेक्चर में हम परंपरावाद और उत्तर व्यवहारवाद का तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। उत्तर व्यवहारवाद की जो क्रांति है उसका जो उद्भव है या जो उसकी उत्पत्ति है उसका जो मूल कारण माना जाता है वह माना जाता है व्यवहारवाद के प्रति एक प्रकार से असंतोष या व्यवहारवाद में जो कमियां एवं दोष थी उन्हें कहीं ना कहीं सुधारने जो था या उनमें कहीं ना कहीं सुधार करना जो उद्देश्य था वो उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का उद्देश्य था। व्यवहारवाद एक और अपने सैद्धांतिक लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में असमर्थ रहा और दूसरी ओर यह मात्र अनुसंधान की शुद्धता पर अधिक बल देने लगा और अति विशुद्धता की स्थिति के बाद भी वह उस समय की जो तत्कालीन गंभीर परिस्थितियां और समस्याएं थी उसके समाधान में किसी भी प्रकार से अपना योगदान देने में असफल रहा। स्वयं जो व्यवहारवादी थे उन्होंने भी व्यवहारवादी दृष्टिकोण की इस अनुपयोगिता या फिर ये कहें कि इन कमियों को स्वीकार किया और साथ ही उन्होंने ये अनुभव किया कि व्यवहारवादी आंदोलन में निश्चित तौर पर सुधार की आवश्यकता है। जैसा कि हम पूर्व में बात कर चुके हैं कि जो उत्तर व्यवहारवादी क्रांति है उसके प्रणेता डेविड ईस्टन माने जाते हैं जो व्यवहारवाद से भी जुड़े रहे हैं। डेविड ईस्टन कहते हैं व्यवहारवाद के नाम पर निम्न स्तरीय और एक प्रकार से अप्रासंगिक अनुसंधान पर बहुत अधिक समय नष्ट कर दिया गया है, अतः अब इसमें आधारभूत सुधार की आवश्यकता है। अब हम ये देखते हैं कि आखिरकार व्यवहारवादी जो क्रांति थी उत्तर व्यवहारवादी जो क्रांति थी उसके पीछे कौन कौन से कारण पृष्ठभूमि में निहित थे। सबसे पहले यदि हम बात करें तो जो व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया या एक सुधार आंदोलन के रूप में उत्तर व्यवहारवाद सामने आता है, द्वितीय महायुद्ध जब हुआ उसके बाद व्यवहारवादी प्रयासों के माध्यम से राजनीति विज्ञान को अधिक विश्वसनीय, सैद्धांतिक और वैज्ञानिक स्वरूप देने की चेष्टा की गई, लेकिन इस सब के बावजूद स्वयं अनेक व्यवहारवादियों ने भी इन प्रयासों को अपर्याप्त और अपूर्ण माना। साथ ही उत्तर व्यवहारवादियों ने ये भी कहा कि अधिक वैज्ञानिक लालसा के कारण कहीं ना कहीं जो राजनीति विज्ञान था उसने अपना मानवीय या जो सामाजिक स्वरूप था या उसकी जो योग्यता थी या उसमें जो उपयोगिता उस समय समाज की समस्याओं के समाधान में हो सकती थी उस उपयोगिता को या उस योगदान को देने में व्यवहारवाद एक प्रकार से असफल रहा। इसके अतिरिक्त जो अध्ययन पद्धतियां थी, ऐसा माना गया कि सामाजिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धतियों को प्राकृतिक विज्ञानों की तरह लागू करना घातक है क्योंकि समाज और व्यक्ति परिवर्तनशील है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्राकृतिक विज्ञान है उनकी जो विषय वस्तु है वह निर्जीव है, खगोलीय पिंड हो सकते हैं या अन्य पदार्थ हो सकते हैं, लेकिन समाज विज्ञानों की जो विषय वस्तु है वह मानव है और मानव और पिंडों की तुलना किसी भी स्थिति में संभव नहीं है और न ही इन दोनों के लिए एक प्रकार की अध्ययन पद्धति का प्रयोग संभव है। अतः उत्तर व्यवहारवादियों ने व्यवहारवादियों की इस कमी को भी स्वीकार किया कि राजनीति विज्ञान चूँकि एक सामाजिक विज्ञान है अतः उसका अध्ययन प्राकृतिक विज्ञान की भांति नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त जो व्यवहारवादी शोध था उसके प्रति भी काफ़ी असंतोष व्याप्त था। व्यवहारवादी शोध में तथ्य और मूल्यों की पृथकता पर बल दिया गया। व्यवहारवाद में मूल्यों के अध्ययन को वैज्ञानिक दुर्बलता माना गया और तथ्य प्रधान अध्ययन को ही विज्ञान का पर्याय माना गया, लेकिन उत्तर व्यवहारवादियों ने यह माना कि तथ्य और मूल्य दोनों ही व्यक्ति के संदर्भ में प्रासंगिक हैं तो इनमें भेद नहीं किया जा सकता। राजनीति विज्ञान को सही अर्थों में राजनीतिक एवं वैज्ञानिक दोनों ही रूपों में जीवंत होना चाहिए, इसलिए मूल्यों का कभी भी जो मूल्य हैं उनकी कभी भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो ऐसे में कहीं ना कहीं
मूल्य और तथ्यों के मध्य जो एक प्रकार से कृत्रिम विभाजन की स्थिति व्यवहारवाद ने पैदा कर दी, उसी कमी के स्वरूप असंतोष के माध्यम से या असंतोष के रूप में कहीं ना कहीं उत्तर व्यवहारवाद प्रकट होता है। इसके अतिरिक्त एक काफ़ी जो महत्वपूर्ण या अपूर्णता थी व्यवहारवाद की, वो ये थी कि व्यवहारवादी की क्रांति का जो समय था, उस समय समाज या जो विभिन्न राष्ट्र थे या विश्व जो था, वो अनेक संकटों और समस्याओं से गुजर रहा था। ऐसी कई चुनौतियां थी जिनमें निश्चित तौर पर राजनीतिक विज्ञानियों का योगदान होना चाहिए था, जैसे परमाणु युद्ध का आतंक था, वहीं अमेरिका में नस्लभेदी जो आंदोलन चल रहे थे, या एकदम से किस प्रकार से तानाशाही जो शासन थे वो एकदम से प्रकट हो गए, या तानाशाह किस प्रकार से जनता का इतना समर्थन प्राप्त कर लेते हैं, चाहे वियतनाम की, या विश्व के ऐसे कई हिस्से थे जहां एक प्रकार से अघोषित युद्ध चल रहे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इनमें से किसी भी समस्या के लिए जो सटीक समाधान था वो व्यवहारवाद प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा। राजनीति को विशुद्ध विज्ञान बनाने की आकांक्षा में व्यवहारवादियों का यह कहना था कि उस शोध और अनुसंधान की कोई उपयोगिता नहीं हो सकती जिसे समाज के संकटों समस्याओं का निदान न किया जा सके, या जो अपने आप को इन समाज की समस्याओं से परे रखकर चले, ऐसे जो शोध होते हैं उनकी कोई प्रासंगिकता नहीं हो सकती। अतः हम कह सकते हैं कि व्यवहारवाद की जो कमियां थी या उसकी जो अपूर्णताएं थी, उसी के विरुद्ध एक असंतोष के रूप में कहीं ना कहीं उत्तर व्यवहारवाद उभर कर आता है और उसमें एक प्रकार से सुधार की वकालत करता है। अब हम देखेंगे कि परंपरावाद जो है वो उत्तर व्यवहारवाद से किस प्रकार अलग है। राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण है वह उत्तर व्यवहारवाद से कई मायनों में अलग है। हालांकि दोनों ही अवधारणाएं व्यवहारवाद का विरोध करती हैं, लेकिन फिर भी कुछ विशेष अंतर हैं जिन्हें हम इन विभिन्न आधारों पर देख सकते हैं। जैसे सबसे पहला हम ले सकते हैं कि जो परंपरागत दृष्टिकोण है वो 19वीं सदी तक के राजनीति विज्ञान के विकास को प्रकट करता है। यह राजनीति विज्ञान के शास्त्रीय या पुरातन पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि जो उत्तर व्यवहारवाद है वह कहीं ना कहीं वर्तमान समय का जो विकास है, या जो वर्तमान समय में हम जिस प्रकार के अध्ययन से गुजर रहे हैं वह उत्तर व्यवहारवाद है। अतः यह राजनीति विज्ञान का कार्य विज्ञान या ये कह सकते हैं एक्शन साइंस है। तो कुल मिलाकर राजनीति विज्ञान का गत्यात्मक पक्ष है उत्तर व्यवहारवाद। इसके अतिरिक्त परंपरागत दृष्टिकोण जो है वो व्यवहारवाद द्वारा जो अपनाई गई परिष्कृत और वैज्ञानिक तकनीकियां हैं उनका विरोध करता है। हालांकि उत्तर व्यवहारवाद यह कहता है कि इन तकनीकों को अपनाना उचित है, लेकिन फिर भी तथ्य और मूल्यों में जो कृत्रिम विभाजन व्यवहारवाद करता है उसका समर्थन उत्तर व्यवहारवाद भी नहीं करता। उत्तर व्यवहारवाद यही कहता है कि समाज विज्ञान के अध्ययन में मूल्यों की उपेक्षा नहीं की जा सकती, अतः आपको मूल्यों को एक निश्चित और महत्वपूर्ण स्थान अपने अध्ययन या अपने शोध में प्रदान करना ही होगा। परंपरावाद और उत्तर व्यवहारवाद के मध्य दृष्टिकोण का भी अंतर है। जहाँ परंपरागत दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान का अध्ययन मूल्यात्मक दृष्टिकोण से करता है, वहीं उत्तर व्यवहारवाद जो है वो मूल्यात्मक दृष्टिकोण को तो अडॉप्ट करता ही है, उसके साथ साथ वो एक प्रकार से जो यथार्थवादी दृष्टिकोण है उसे भी अपनाकर चलता है। इसके अतिरिक्त परंपरावाद और उत्तर व्यवहारवाद में विचारधारा की दृष्टि से भी अंतर है। परंपरागत दृष्टिकोण उत्तर व्यवहारवादी लोकतांत्रिक विचारधारा के अलावा समग्रतावादी एवं अनुभववादी विचारधाराओं को भी स्वीकार करता है, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद केवल उदारवादी लोकतांत्रिक विचारधाराओं को ही मान्यता प्रदान करता है। परंपरागत दृष्टिकोण की तुलना में उत्तर व्यवहारवाद में उदारवादी मानव मूल्यों के प्रति एक अधिक प्रतिबद्धता या एक अधिक समर्पण जो है वो दिखाई पड़ता है। यदि आप परिवर्तनों को आधार मानकर चलें तो जो परंपरावादी दृष्टिकोण है वह अपनी प्रकृति से अनुदारवादी है, इसीलिए वह सामाजिक परिवर्तनों के लिए उतना उत्साह नहीं रखता जितना कि उत्तर व्यवहारवाद स्पष्ट रूप से सामाजिक परिवर्तनों के प्रति रखता है, या ये कहें कि कहीं ना कहीं उत्तर व्यवहारवाद जो है वो सामाजिक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करता है। अब हम देखें प्रासंगिकता के दृष्टिकोण से परंपरावाद और उत्तर व्यवहारवाद में क्या अंतर है।
तो जो परंपरागत दृष्टिकोण की तुलना यदि हम उत्तर व्यवहारवाद से करते हैं तो उत्तर व्यवहारवाद बहुत अधिक प्रासंगिक है, क्योंकि इसकी जो विषय वस्तु है वह वर्तमान समाज की जो समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, संकट हैं, उनको लेकर है। जबकि परंपरागत दृष्टिकोण न तो अपने उस समय के सामाजिक राजनीतिक जीवन की जो समस्याएं थी उनके समाधान के प्रति न ही तो कभी प्रतिबद्ध था और न ही इन समस्याओं के समाधान में वो समर्थ था। लेकिन जो उत्तर व्यवहारवाद है बेसिकली वो अपनी जो शोध का उद्देश्य है या जो आधार है वो प्रासंगिकता को लेकर ही चलता है, वह प्रासंगिकता और कर्म पर बल देता है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि प्रासंगिकता की दृष्टि से यदि देखें तो जो उत्तर व्यवहारवाद है वह निश्चित तौर पर परंपरावाद की तुलना में कहीं अधिक प्रासंगिक है। अतः इन दोनों में जब हम तुलनात्मक अध्ययन देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि परंपरावाद एवं उत्तर व्यवहारवाद में कुछ आधारभूत अंतर भी हैं। वस्तुतः जो परंपरावाद है वह राजनीति विज्ञान की यथास्थिति से संतुष्ट है, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान के निरंतर विकास की वकालत करता है या निरंतर विकास में विश्वास करता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो परंपरावाद है उसकी प्रकृति भूतोन्मुखी यानी वह पीछे की ओर देखता है, जबकि जो उत्तर व्यवहारवाद है वह अपनी प्रकृति से ही भविष्य की ओर देखता है और राजनीति विज्ञान को एक नए पायदान पर ले जाने की बात करता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के जो कारण थे के विषय में पढ़ा और साथ ही हमने परंपरावाद और उत्तर व्यवहारवाद का जो तुलनात्मक विश्लेषण हम कर सकते हैं वो हमने किया, उस पर हमने चर्चा की। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम उत्तर व्यवहारवाद की जो आधारभूत मान्यताएं हैं अथवा जो विशेषताएं हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।